नमस्कार। कल हमने एक यादृच्छिक चर की प्रत्याशा अथवा एक्सपेक्टेशन की बात की थी। हमने यह देखा था कि प्रत्याशा की गणितीय परिभाषा क्या है एवं वह प्रत्याशा अथवा उसके औसत की किसी भी यादृच्छिक चर के औसत की सांख्यिकीय परिभाषा से किस प्रकार मिलती है। अब हमने यादृच्छिक चरों के संदर्भ में प्रत्याशा हमने यादृच्छिक चरों के संदर्भ में प्रत्याशा को समझ लिया है। अब हम यह देखते हैं कि यादृच्छिक चर एक संख्या में दिखाई। अब यादृच्छिक चर हमें एक संख्या के रूप में दिखाई देता है, इसके फलस्वरूप हम यादृच्छिक चरों के फलन हम यादृच्छिक चरों के फलन परिभाषित कर सकते हैं। हमने यह देखा था कि एक यादृच्छिक चर x का फलन y बराबर fx भी एक यादृच्छिक चर होगा। हमने यह देखा था कि y बराबर fx एक यादृच्छिक चर होगा, यह हम जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मेरे पास x है तब क्या मैं इसे, हमने g द्वारा प्रदर्शित किया था तो इसे g का ही प्रयोग करूंगा। अब यदि मेरे पास x है एवं y बराबर gx है तब क्या मैं gx के प्रत्याशित मान के में कुछ क्या मैं जी एक्स के प्रत्याशित मान के विषय में कुछ कह सकता हूँ? अब इसका सरलतम उत्तर यह है कि हाँ, यह सरल है एवं क्योंकि वाई एक यादृच्छिक चर है तथापि क्योंकि y एक यादृच्छिक चर है मैं y का PMF अर्थात प्रायिकता द्रव्यमान फलन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मैं इसे PMF ही लिखूंगा ज्ञात कर सकता हूँ। मैं y का प्रायिकता द्रव्यमान फलन ज्ञात कर सकता हूँ एवं इस प्रायिकता द्रव्यमान फलन का प्रयोग करके मैं y का प्रत्याशित मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो सभी yi पर जोड़ यह, जहाँ y इस समुच्चय से अपने मान धारण करता है, y इस समुच्चय में से अपने मान धारण करता है एवं
हमने यह कह दिया कि यह सरल है। अब हमारे पास ध्यान देने योग्य एक अन्य बात है कि किसी चर की प्रत्याशा से द्रव्यमान केंद्र अथवा सेंटर ऑफ मास के भौतिक सिद्धांत है। यादृच्छिक चर की प्रत्याशा एक प्रकार से द्रव्यमान केंद्र अथवा भौतिक सिद्धांत के समान है। मान लीजिए मेरे पास एक भारहीन है जिसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, इस भारहीन छड़ी की लंबाई कुछ भी हो सकती है, एवं इसके बिंदु x पर द्रव्यमान का एक पिंड है। अर्थात मेरे पास एक छड़ी है, वह छड़ी कुछ इस प्रकार है, यह शून्य है, हम यह मान लेते हैं कि वह शून्य से किसी सीमित संख्या तक ही जाता है। यहाँ पर अगर इसे वन कहूँ तो यह है, इसे एक इस प्रकार से, तब पी एक्स शून्य पी एक्स एक इस प्रकार। इन पिंडों का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान है अथवा बिंदु x पर पड़े पिंड का द्रव्यमान तब मैं यह कह सकता हूं कि इस छड़ी एवं इन पिंडों का द्रव्यमान केंद्र जिसे हम भौतिकी सिद्धांत में m बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं वह होगा जो कि एक्स का प्रत्याशित मान है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रत्याशा का सिद्धांत एवं भौतिकी विज्ञान में पढ़ा गया द्रव्यमान केंद्र का सिद्धांत मूल रूप से एक ही है। अब एक प्रस्ताव, प्रत्याशित मान जी एक्स बराबर है जोड़ आई पर जोड़ डी एक्स आई प्रायिकता p
PMF एक्स एक्स यह इस प्रस्ताव की उत्पत्ति हम लिख सकते हैं जो बराबर है जे जहां बराबर है वाई जे यह बराबर है जे यह बराबर होगा जोड़ जे के ऊपर वाई जे प्रायिकता वाई जे जो कि बराबर है जोड़ जे वाई जे प्रायिकता वाई बराबर वाई जे बराबर इस प्रकार हमने इस प्रस्ताव को प्रमाणित कर दिया। अब इसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य प्रस्ताव बराबर है यह देखना सरल है कि अब हम जानते हैं कि यह प्रायिकताओं का जोड़ है जो कि एक होगा एवं यह x का प्रत्याशित मान है अर्थात यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं यह का अथवा मोमेंट यह एक्स का एनवा आधुन कहलाता है यह एक्स का मध्यमान
अल्फा मीन सरल शब्दों में x घात n का प्रत्याशित मान x का nवां आघूर्ण कहलाता है एवं x का प्रत्याशित मान n बराबर 1 के लिए अथवा x का पहला आघूर्ण उसका मध्यमान x का मध्यमान कहलाता है। इसी प्रकार यह फलन x का nवां केंद्रीय आघूर्ण यह x का nवां केंद्रीय आघूर्ण कहलाता है। अब हम जानते हैं यह एक जानते हैं कि x का मध्यमान एक निर्धारणात्मक संख्या है, अर्थात मैं लिख सकता हूं म्यू ग्रीक अक्षर म्यू बराबर है मध्यमान x। इसी को ध्यान में रखते हुए हम x का nवां केंद्रीय मध्यमान इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह x का केंद्रीय आघूर्ण हम x का केंद्रीय आघूर्ण nवां केंद्रीय आघूर्ण इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब n बराबर 1 के लिए जो प्रस्ताव हमने कुछ समय पहले प्रमाणित किया था उसे प्रयोग करते हुए यह हम x का सरलतम सम केंद्रीय आघूर्ण देखेंगे, अर्थात n बराबर 2 बराबर है यह सरल है। अब इसे देखते हुए यह क्योंकि म्यू एक निर्धारणात्मक संख्या है अर्थात मैं यह लिख सकता हूं x का दूसरा केंद्रीय आघूर्ण बराबर है x का दूसरा आघूर्ण घटा x के मध्यमान की घात 2।
यह प्रसरण अथवा वेरिएंस यह x का प्रसरण अथवा वेरिएंस कहलाता है। धन्यवाद।